हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन आ चुकी है, रे बीपीएन। कैसे यूज करना है रे बीपीएन एप्लीकेशन को, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। न्यू एप्लीकेशन के साथ साथ इस एप्लीकेशन से आपको कई अच्छे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। फ़ायदे दोस्तों क्या है आपको ये भी बता देता हूँ। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, आपको नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो नीचे मत चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा दोस्तों, लिंक मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस एप्लीकेशन की कुछ सिक्योरिटी और कुछ अच्छी बातें हैं जो कि मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताता हूँ। अबाउट इस ऐप में इस एप्लीकेशन की जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रे वीपीएन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ग्लोबल कंट्री का सर्वर जैसे कि चेंज करना है तो यहाँ पर कॉर्नर में USA या फिर किसी भी कंट्री का नाम देखने को मिल जाएगा, चेंज करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर कई कंट्री का सर्वर देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर USA कंट्री ही है जो कि सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे दोस्तों सेलेक्ट करोगे आप, वहाँ पे एक कनेक्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। कुछ सेकंड में आपको कनेक्ट करके दिखा देगा दोस्तों, तो वेट कर लेते हैं और यहाँ पे वेट कर लेते हैं कनेक्ट होने का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऐड भी आ सकता है, ऐड को स्किप कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, टाइमिंग कैसे बढ़ाना है यहाँ पे, अगर आपको बढ़ाना है टाइमिंग। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों कई फायदे हैं, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को चला सकते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, कोई भी वीडियो चला सकते हो, गेमिंग एप्लीकेशन बूस्टिंग कर सकते हो, कोई थर्ड एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ऐड टाइमिंग करके मैंने क्लिक कर लिया, ऐड भी आ सकता है। ऐड आने के बाद आपको स्किप करना है, यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो, एक घंटा 44 मिनट। यहाँ पे आपको अब VPN यूज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ऐड टाइमिंग करके और भी बढ़ा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप 3 डॉट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन का अबाउट अपडेट जो है देख सकते हो, चेकआउट भी कर सकते हो। तो एप्लीकेशन के बारे में आपको अच्छे तरीके से जो समझ में आ चुका होगा, और VPN का यूज काफ़ी जगह पर किया जाता है आपको मालूम होगा। बंद क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, जैसे यूज करने के बाद इसको बंद भी कर देते हैं। तो अब VPN को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और बंद क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो। जय जय वंदे मातरम। थैंक यू।